हिमाचल के सभी शक्तिपीठों में और धार्मिक स्थलों पर पिछले कुछ दिनों से श्रद्धालुओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। इसी के चलते विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में भी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले ही चैत्र नवरात्रों के चलते श्री नैना देवी जी में श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। नवरात्रों के बाद भी श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी बरकरार रही, परंतु पिछले कुछ दिनों से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। श्री नैना देवी जी के क्षेत्र में सजी दुकानें और बाजार भी श्रद्धालुओं के ना होने की वजह से सूने पड़े हुए हैं, जिससे दुकानदारों के चेहरों पर भी मायूसी छाई हुई है। श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी का मुख्य कारण पंजाब, हरियाणा और साथ लगते राज्य में फसल की कटाई को माना जा रहा है। मंदिर के पुजारी तथा स्थानीय लोगों का कहना है कि इन दिनों पंजाब, हरियाणा तथा साथ लगते राज्य में लोग अपनी अपनी फसल की कटाई में व्यस्त हो जाते हैं, जिस कारण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हर वर्ष इन दिनों कमी दर्ज की जाती है। इस भव्य जगजननी दरबार में जो कि नित्य प्रति आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का लगातार तांता रहता है, वो पंजाब में आजकल फसलों का कटान का जोर चला हुआ है, जोर शोर से काम चला हुआ है। इस वजह से यात्री तीर्थयात्री कम हो गए हैं। जगजननी माँ नैना देवी के दरबार में पंजाब से अधिकतर यात्री तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं, क्योंकि पंजाब के साथ ही ये इलाका लगता है और ये पंजाब में विशेष करके ये हिंदू सिख भाईचारे का प्रतीक भगवती माँ नैना देवी का ये दरबार माना गया है। तो फसलों की वजह से हमारे किसान भाई और भी अत्यंत व्यस्त होने के कारण यात्रियों की संख्या कम हो गई है। भगवती माँ नैना देवी से करवत यही प्रार्थना है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को अपना आशीर्वाद निरंतर बनाए रखे। जय तुम नैने, जय भगवती माँ नैना। की संख्या में कमी आई है, इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, आज से 5-4 दिन पहले जो है मतलब काफ़ी श्रद्धालुओं की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन अभी श्रद्धालु जो है आना कम हो गया है थोड़ा, क्योंकि पंजाब में गेहूं की कटाई फसल जो कट रही है उसके कारण जो है कमी आई है। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या ऐसा ही रहेगा या फिर? नहीं नहीं, आने वाले समय में ऐसा नहीं रहेगा, तो 5-4 दिन के बाद जो है मैं मतलब पूरा रश रहेगा मंदिर में। ठीक है, जय माता दी। जय माता। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए श्री नैना देवी जी से गौतम की रिपोर्ट।